नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, खेल समझिए देख रहे हैं आप और मैं विकास सिंह आपके साथ। मुस्लिम समाज बिहार में मोदी को दिलाएंगे 40 में 40, दूसरे फेज की 5 सीटों पर, एक गलती और बदल देगा खेल। अब इस वक्त हमारे साथ बाबा जुड़े हुए हैं खेल समझिए में। आखिरकार किस तरीके से बिहार में 40 की जो 40 सीट है उस पर मुस्लिम समाज जो है बीजेपी के झोली में डालेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी के झोली में डालने का काम कर रही। इसे साफ साफ जाहिर होता है कि बिहार में MY समीकरण जो है लालू यादव का वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाबा, मुस्लिमों का रुझान बीजेपी की ओर, लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे? इसको ऐसे आप नहीं कह सकते हैं, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जब दो लोगों के बीच में प्यार होता है और पहले प्यार वाला जब नजर आने लगता है तो थोड़ा थोड़ा गुदगुदाहट होने लगती है, और अगर दोनों प्यार करने वाले में झगड़ा हो जाए तो दिखाने के लिए, जलाने के लिए दूसरे को प्रश्रय दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये आम जीवन में होते रहता है जी। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से मुस्लिम समाज को उनको अपना हितैषी बताते हुए लालू प्रसाद ने 90 के दशक से अब तक जो गाय नहीं हो जाती है, जो बच्चा नहीं देती है, तब भी थोड़ा थोड़ा दूध देते रहती है, तो अंतिम समय तक उसको दूहना और दूहते दूहते उसका जो दूध वाला पार्ट है उस पार्ट तक को छील देना, यही हुआ है मुस्लिम समाज के साथ। मुस्लिम समाज अब ये बात समझने लगा है, खास करके मुस्लिम समाज में जो युवा वर्ग है। मैंने पहले भी आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मुस्लिम समाज में एक युवा वर्ग जो सामने आया है और जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के समय में एक साथ मिलकर के हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया था, बिल्कुल लड़े एक साथ थे और इस देश को आज़ाद कराया था अंग्रेजों से। भले ही बंटवारा हो गया, ये एक पॉलिटिकल कहानी हो सकती है, लेकिन आज भी आप हिंदू मुसलमान को देखिएगा कि एक जगह खड़े होकर के एक गांव में, एक मोहल्ले में रह करके और एक दूसरे के साथ बड़ी शांति से रहते हैं जी। कोई उन लोगों के साथ झमेला नहीं होता है। मैं खुद बताता हूँ कि जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, मेरा घर और असलम का घर दोनों सटा हुआ है। असलम को अपने घर में जाना होता है तो मेरे दरवाजे की तरफ से होकर के जाना होता है। असलम के घर में कुछ भी बन रहा हो तो सीधा मेरे छत से नजर आता है। बचपन में हम लोग साथ पढ़े, बहुत गहरी दोस्ती थी। जब टिफिन लेकर के जाते थे हम लोग साथ लेकर के जाते थे, लेकिन कभी हम लोगों के बीच में किस तरह का बात नहीं हुआ। आज परिस्थितियां बदल गई हैं जी। आज दोस्त दोस्त को, भाई भाई को अलग करने वाली स्थिति है, और ये कर कौन रहा है? बदनाम भाजपा जरूर है। भाजपा के बारे में कहा जरूर जाता है कि वो कॉम्युनल गेम खेलती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है। क्या मुसलमान मस्जिद की बात नहीं करते हैं? क्या अजान नहीं होता है मस्जिद से? बिल्कुल। क्या मुसलमान शुक्रवार के शुक्रवार नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं? हर कोई को अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखने, धार्मिक भावनाओं को बरकरार रखने, पूजा पाठ करने की इस देश में छूट है। बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिसाइज करके इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं वोटों के लिए बांटा जाता है, और इसका दोष सब कुछ मर दिया जाता है कि भाजपा ने किया है। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन मुस्लिम समाज के लोगों के दर्द हैं जो एक लंबे समय से, आजादी के 74 वर्ष के बाद, आज भी वो उसी जगह खड़े हैं जहां खड़े थे जी। अब आप आइए कि दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है जी। दूसरे चरण के चुनाव से पहले आप बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल से कितने मुसलमान उनसे दूरी बनाए? एक आध अगर आए भी हैं तो इसलिए आए हैं कि वो पहले भी राष्ट्रीय जनता दल में रह चुके हैं। बिल्कुल। और दूसरा उनका स्वार्थ है कि इस बार, पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल ने उनको बेटिकट किया था, लेकिन इस बार उसने टिकट देने का वादा किया, इसलिए आए। वो इसलिए नहीं आए हैं कि मुस्लिम समाज के बहुत बड़े हितैषी हैं लालू प्रसाद, और उन्होंने मुस्लिम समाज को सब कुछ दे दिया। देखिए, सियासत की एक सबसे पहली जो अक्षर होती है कि लो दोना, लो दोना, दे दिए तो फिर देगा नहीं जी। अगर आप उसको एजुकेट कर दिए, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि मुस्लिम समाज के जो युवा हैं और जो मिडिल एज के लोग हैं, मिडिल एज से थोड़ा जो
बढ़ गए, 50 से ऊपर हैं, उन्होंने ये दंश झेल देखा है पिछले 15 से 20 सालों में। बार बार ये बातें भारतीय जनता पार्टी कहती है, नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले के बिहार को देखिए आप, बिल्कुल 1990 से पहले के बिहार को देखिए आप, कांग्रेस के शासन में भी हिंदू मुसलमान नहीं होता था। कहा जाता था कि कांग्रेस को मुसलमान भी वोट करते हैं, हिंदू भी वोट करते हैं, खास करके एक ऐसे वर्ग की बात की जाती थी जो समाजवाद की धारा से थोड़ा अलग था वो, या कट्टर हिंदुत्ववाद की जो धारा चल रही थी तब के लोग, और उस समय भी हिंदू मुसलमान एक साथ होकर के कांग्रेस को वोट करते थे। आज बदली हुई परिस्थिति में जब चर्चा होती है, कल ही मैं संपादक नमन मिश्रा जी का एक एपिसोड देख रहा था, किसी दूसरे चैनल पे डिबेट के दौरान वो बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर बात कही कि ये चुनाव जो हो रहा है 2024 का, उसके बाद सीमांचल नाम का कोई शब्द रह जाएगा तब ना सीमांचल के लोगों को वोट देने का और बाकी चीज़ों का मौका मिलेगा। यानी कि जो चीज़ें तैयार की जा रही थी, परिसीमन की जो बातें की जा रही है 2028 में, 26 में, 27 में, 28 में, जब भी हो जाए परिसीमन, ये तो केंद्र सरकार को करना है, उस परिसीमन के बाद सीमांचल और अन्य क्षेत्रों को मिलाकर के आपने सुना होगा कि पहले भी एक अलग क्षेत्र बनाने की जरूरत महसूस हो रही थी, उसका नाम चाहे मिथिलांचल दे दो, सीमांचल दे दे, या और भी कोई क्षेत्र दे दे, वो अलग एक मैटर है। लेकिन जिस तरह से बिहार से झारखंड अलग हुआ, उस तरह से बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को मिला करके वो एक क्षेत्र बनाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी सामने आ सकता है। बिल्कुल, ये जो चुनाव होने जा रहा है दूसरे चरण का, उसमें जनता दल यूनाइटेड वर्सेज महागठबंधन के अन्य दल होने जा रहा है, जिसमें 5 सीटों पर चुनाव है दूसरे चरण में जी। इसमें 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर, जदयू 5 की 5 सीटों पर लड़ रही है, और इसमें एक सीट ऐसा है जो कांग्रेस जीती हुई है, किशनगंज की। किशनगंज को बताया जाता है कि वो पॉकेट है जहां से नॉर्थ ईस्ट के लोग प्रवेश करते हैं, वो एक दरवाजा है यहाँ से लोग अंदर आते हैं। यहाँ 12 उम्मीदवार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताइए, यहाँ दोनों ही खेमे से मुस्लिम खड़े हैं, तीसरा खेमा AIMIM है, वो भी मुस्लिम खड़े हैं, यहाँ मुस्लिमों की आबादी 68% से ज्यादा है। एक चीज आप हमको बताइए कि इसमें से जीतेगा कौन, हिंदू या मुस्लिम? निश्चित रूप से कोई मुस्लिम ही जीतेगा, चाहे वो जदयू की तरफ से जीते तो NDA का हिस्सा बनेगा, या फिर कांग्रेस से जीते तो महागठबंधन का हिस्सा बनेगा, और अगर AIMIM से जीतेगा तब भी वो महागठबंधन का ही हिस्सा बनेगा, क्योंकि आपने देखा कि 5 लोगों को जिता करके इसी सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के लोगों ने भेजा, वो कहाँ हैं और उनको कैसे राष्ट्रीय जनता दल ने अपने फायदे के लिए, या वो अपने फायदे के लिए कांग्रेस में जाकर के मिल गए। यानी मुस्लिम समाज के लोगों का ये मानना है कि अब हम इस आधार पर किसी को वोट नहीं करेंगे कि वो मेरा हितैषी है, बल्कि हम इस आधार पर वोट करेंगे कि जो देश के अन्य लोगों को भागीदारी मिल रही है वो हमें भी मिलनी चाहिए, हम भी उसके बराबर के भागीदार हैं, कोई ज्यादा और कोई कम वाली बात नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम जिस तरह से बाकी के नागरिकों के साथ व्यवहार होता है हम उसी तरह से करेंगे। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में बदला हुआ एक जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन के साथ अब ये बात साफ साफ नजर आ रही है। आपने देखा होगा कई एपिसोड में, मैंने तो देखा है, इस किशनगंज की बात छोड़ दीजिए, किशनगंज में तो सभी मुसलमान खड़े हैं, लेकिन कटिहार में सभी मुसलमान नहीं है। लेकिन दुलाल चंद गोस्वामी को सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से मुस्लिम समाज के युवा और 50 के ऊपर के लोग जिस एग्रेशन के साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं कि पिछले 5 साल में दुलाल चंद गोस्वामी ने इस क्षेत्र में वो सारी भ्रांतियां खत्म कर दी है, कहीं लगा ही नहीं कि NDA और फलां ठिकाना और हिंदू और मुस्लिम हो रहा है, सभी को साथ लेकर के चले, पुल बना तो पुल से सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं। अगर उन्होंने एक लड़ाई लड़ी कोसी और अन्य महानंदा और अन्य जो नदियां हैं उससे विस्थापितों के लिए, तो वो एक अलग मैटर है। एक रास्ता उन्होंने बनाया वहां से सीधे झारखंड जाने के लिए, और जो लगातार बाढ़ आ जाता है वो पानी डाइल्यूट होकर के ऐसे घूम करके चला जाए जिससे कि लोग झेले नहीं उसका दंश, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
लोग विस्थापित हो रहे हैं, विस्थापित लोगों के लिए अगर किसी ने काम किया तो दुलाल चंद गोस्वामी ने किया। तो क्या दुलाल चंद गोस्वामी के सामने जो तारिक अनवर खड़े हैं उनको लोग तरजीह देंगे, जबकि तारिक अनवर पिछले 5 बार से वहां जीतते आ रहे हैं। इसको भी कहा जाता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ निर्णायक भूमिका में मुसलमान ही है, यही कारण है कि 5 बार से वो जीतते आ रहे हैं। अब अगली सीट अगर पूर्णिया की बात करें तो यहां भी मुसलमान निर्णायक भूमिका में जरूर है, उन्हीं के वोट से जीत और हर होना है, लेकिन यहाँ संतोष कुशवाहा है, बीमा भारती है और पप्पू यादव ने यहाँ एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया है। यानी कि यहाँ की सीट अगर पप्पू यादव भी जीतते हैं तो महागठबंधन को झटका लगता है। और जिस तरह से आप समझिएगा कि कांग्रेस की नाराजगी नजर आ रही है वो एक अलग कहानी कह रही है। जो कुछ भी कल हुआ, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक पॉलिटिकल गेम खेला, इल्यूजन क्रिएट किया, जिस इल्यूजन में आपने देखा कि पूर्णिया से उठा करके भागलपुर लेकर के चले आए बीमा भारती को, जब राहुल गांधी ने पूर्णिया जाने से इनकार कर दिया तो पूर्णिया से कैंडिडेट को उठा करके वो भागलपुर ले आकर के उनके मंच पर खड़ा कर देते हैं, इससे बड़ा पॉलिटिक्स कुछ नहीं हो सकता है। और धीरे धीरे कांग्रेस विस्फोट होगा क्योंकि उसमें विस्फोट तो हो चुका है। कल ही आपने हमने मिल करके एक इंटरव्यू लिया है, एक आलोक भरद्वाज हैं जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल कांग्रेस के, मतलब कहा जाए तो जमीनी कार्यकर्ता हैं जी। उनका एक लंबा समय रहा 2019 के चुनाव में, जैसा कि उन्होंने बताया भी और हम जानते भी थे कि पूर्णिया में उन्होंने एक बहुत बेहतर काम किया था, एक कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वहां का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में आप समझिए कि क्या मुस्लिम समाज के लोग किसको खोज करके वोट देंगे। लगता तो नहीं कि बीमा भारती को देंगे, या तो वो पप्पू यादव को देंगे या संतोष कुशवाहा को देंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके जो MY समीकरण वाला दावा है वो टूटता नजर आ रहा है। बात भागलपुर की करें, भागलपुर से अजय मंडल जीतते आ रहे हैं, भागलपुर के वर्तमान जो है वो विधायक हैं अजीत शर्मा जी, वो वहाँ कर रहे हैं, शाहनवाज हुसैन भी कभी वहाँ जीत करके आए हैं, सुशील मोदी जीत करके आए हैं, वहाँ भी मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। भागलपुर दंगे के बारे में कौन नहीं जानता है। ये सारी चीज़ें अगर वहाँ के मुसलमान एजुकेट नहीं हुए तो आखिर वहाँ से हिंदू कैसे जीत के आता है। अब जो चीज़ें बदल रही हैं, अगर बात करें तो 5 सीटों पर जो चुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं जो मोदी ने 40 की गारंटी कही है बिहार में, उस गारंटी में मुस्लिम समाज के लोगों का एक अहम योगदान और भूमिका होने वाली है। आपने देखा होगा कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम समाज के लोगों को जो हमने जितनी भी तस्वीरें दिखाई उसमें खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को देखा गया कि वो बहुत ही संयमित ढंग से लाइन लगा करके और वोटिंग कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। एक तो सबसे पहली बात कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग बड़ी ईमानदारी से करते हैं, भारी संख्या में निकलते हैं, बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और ये अगर लालू प्रसाद से अलग हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि MY समीकरण अगर टूटा तो फिर लालू प्रसाद कहीं के नहीं रह जाएंगे, और ये ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो याद कीजिए आप कि जब 2005 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल किया था, 2000 में भी बेदखल किया था, लेकिन तब शहाबुद्दीन ने जोड़ घटाव करके समीकरण साध करके और वो सीटें पूरी की। लेकिन 2005 में जब सत्ता से बेदखल हुए थे लालू प्रसाद, तो 2010 तक उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया था, और 2010 के चुनाव में इतना ज्यादा वो लगभग समाप्ति के कगार पर थे कि उन्हें लोकसभा जाना पड़ा, और वही कांग्रेस जिसको 1990 में बेदखल करके लालू प्रसाद आए थे उसी कांग्रेस ने उनको सहारा दिया और फिर से पनपे। 2015 तक तो लालू प्रसाद धीरे धीरे राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुके थे, बिल्कुल 2009 के चुनाव में, 10 के चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से लालू प्रसाद पूरी तरह से साफ हो चुके थे। इतनी सीटें आई थी NDA गठबंधन को, 100 से ज़्यादा सीटें आई थी, 110 सीटें आई थी जनता दल यूनाइटेड को, 80 सीट के आसपास आया था ये आपको BJP को, यानी कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए एक पार्टी बच गई थी, जान फूकने के लिए बस चाचा एक कभी बस चले जाते हैं। इसके अलावे 2014 में आपने देखा कि जो मोदी लहर में
तीन सीटें जीत करके वो लोकसभा की जरूर आए, लेकिन 2015 में नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से जीवन दान दिया और जो लोग उनसे छटक गए थे, एमओआई समीकरण तब भी था जब 2005 में वो सत्ता से बेदखल हुए, एमओआई समीकरण उनका तब भी था जब वो 2009 में चुनाव लड़े, एमओआई समीकरण तब भी था जब 2010 में लड़े, 2014 में लड़े और 2015 में लड़े, एमओआई समीकरण 2019 में भी था जब वो जीरो पर बोल्ड हो गए, और 2020 में भी उनके पास समीकरण था जब वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल। अब 2024 के चुनाव में वो एमओआई समीकरण के साथ साथ और भी समीकरण जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो 1990 में एक डर दिखाया गया था कांग्रेस का, वो डर अब देखने के लिए इस देश की जनता तैयार नहीं है। जी। सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, अगर मुस्लिम समाज जो भीतर ही भीतर एक अंडर करेंट चल रहा है अगर उस पर टिका रह गया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके और इस देश में एक अलग तरह का 400 सीट क्यों चाहिए उन्हें, आज सब कुछ समझ रहा है कि वो किसी भी तरह से फैसले लेने में वो स्वतंत्र रहे, सक्षम हो जाए। एक तिहाई सीट उनको सदन में चाहिए जिसका कोई विरोध नहीं हो सके। जी हाँ, तो आप बाबा को सुन रहे थे, बाबा आपको बतला रहे थे कि खेल समझिए में किस तरीके से जो मुस्लिम समाज है यानी कि लालू प्रसाद यादव का एमओआई समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है वो किस तरीके से मुस्लिमों को ठगने का काम करती है, अब ये बात मुस्लिमों को पता चल रहा है और यही कारण है कि मुस्लिम समाज जो है अब लगातार लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी से दूरियाँ बनाने लगे हैं, और ये दूरियाँ एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकता है अगर एनडीए मुस्लिम वोट को अपने और खींच लाती है। तो ऐसे तमाम अगर 23 सीटों में जी अगर उन्होंने जिस तरह से 14% वाले को 8-8 सीटें दी हैं जी, तो 18% का जब दावा करते हैं कि हमारे हैं एमओआई समीकरण के, तो उनको कितनी सीटें मिलनी चाहिए? दो सीटें मिलनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ी गलती है जो लालू प्रसाद ने कर दी है और इस गलती की सजा उन्हें मिलनी है, जबकि उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी, जिसकी ये मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी सबके लिए कहते हैं जी, ये मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी सबके लिए कहते हैं, मुस्लिमों को तो सबसे ज्यादा अछूत अगर किसी ने बनाया है तो वो लालू प्रसाद है, वरना दो ही सीट क्यों दिए होते? बिल्कुल, सीटें तो और भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो आप बाबा को सुन रहे थे, बाबा आपको एक एक मुद्दे पर समझा रहे थे कि किस तरीके से मुस्लिमों को अभी भी ठगने का काम किया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव लगातार मुस्लिमों को ठगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।